बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में अंग्रेजी विषय में बुक हनी सकल से हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क भाग 1 व कक्षा 7 में अंग्रेजी विषय में किंग्स 3 क्वेश्चंस भाग 1। बच्चों, आज हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं और स्टोरी का नाम क्या है? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। और ये जो कहानी है, ये जो आपका चैप्टर है, ये किसने लिखा है बच्चों? ये लिखा है कैरोल मूर ने। ठीक है, अब टाइटल क्या है हम स्टोरी का, हमारी कहानी का? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। अब आप सोच रहे होंगे कि पैट्रिक अपना होमवर्क खुद क्यों नहीं करता है, और अगर वो अपना होमवर्क खुद करता है तो जो हमारी स्टोरी है, हमारी जो कहानी है, उसका टाइटल ये क्यों है कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो चलिए पता करते हैं कि पैट्रिक का होमवर्क आखिर किसने किया, अगर उसने खुद ने किया तो स्टोरी का नाम ऐसा क्यों है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? फर्स्ट लाइन बता रही है कि पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। नेवर यानी कभी नहीं करता था वो अपना होमवर्क। टू बोरिंग ही सेड, वो कहता था कि मुझे होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग लगता है, यानी बहुत ही उबाऊ लगता है। बोरिंग क्या हो गया बच्चों? उबाऊ। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड। वो क्या क्या गेम्स खेला करता था बच्चों? प्ले यानी खेलना, तो वो खेला करता था हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो। निंटेंडो बच्चों एक वीडियो गेम होता है, क्लियर? तो हॉकी, बास्केटबॉल, निंटेंडो, ये सब उसको खेलने का शौक था। मतलब उसको होमवर्क करना बहुत बोरिंग लगता था, और वो उसका सारा ध्यान कहाँ रहता था? अपने खेलने में रहता था। His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर्स हमेशा उसको कहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क समय पर करा करो, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। And it is true. Sometimes he did feel like an ignoramus. और कई बार ऐसा होता था बच्चों, जो उसके टीचर्स कहा करते थे वो बात सही भी थी। कई बार उसको ऐसा लगता था कि मैं क्या हूँ, मूर्ख हूँ या अनाड़ी हूँ या फिर ना समझूँ। इग्नोरेमस मतलब उसको लगता था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। क्यों नहीं आता था बच्चों? क्योंकि उसका ध्यान क्लास में नहीं रहता था, वो कभी होमवर्क नहीं करता था, कभी टाइम से स्कूल नहीं जाता था। इस वजह से उसको क्लास में जब बैठता था तो उसको ऐसी फीलिंग आती थी कि मुझे कुछ भी नहीं आता। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था? He hated homework. वो homework से नफरत करता था। Hated यानी घृणा या नफरत करना। आपको पैट्रिक की फोटो दिखाती हूँ बच्चों, ये देखिए, ये पैट्रिक है। जैसा कि हमें राइटर बता रहे हैं कि वो क्या खेला करता था, वो बास्केटबॉल खेलता था, हॉकी खेलता था, निंटेंडो खेलता था। तो देखिए इसके शोल्डर पे क्या है, इसने हॉकी भी ले रखी है। आगे देखते हैं। Then one day he found his cat playing with a little doll. एक दिन क्या हुआ, उसके पास एक प्यारी सी बिल्ली भी थी बच्चों, ठीक है? तो उसने अपनी बिल्ली के हाथ में देखा तो उसको एक छोटी सी गुड़िया नजर आई, डॉल यानी गुड़िया। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उससे उसने वो गुड़िया छीन ली, किससे? बिल्ली के हाथ से। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल, और जब वो ये देख के आश्चर्यचकित हो गया बच्चों कि वो छोटी सी गुड़िया नहीं थी, देखते वो क्या था? बट अ मैन ऑफ द टाइनियस्ट साइज, एक छोटी सी साइज के, यानी बिल्कुल छोटी साइज का क्या था, एक आदमी था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेज, उसने क्या पहन रखी थी? वूल शर्ट पहन रखी थी, यानी गर्म शर्ट पहनी हुई थी, और ब्रिचेज होता है आपका निक्कर, वो उसने पहन रखी थी। एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विच, और जैसी विच यानी जो जादूगरनी या फिर जो डायन होती है ना बच्चों, वो जैसी हैट लगाती है ना, उस तरीके की उसने लंबी सी हैट लगा रखी थी। ही येल्ड, वो जोर से चिल्लाया, क्या चिल्लाया? सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कि मुझे बचा लो, मुझे इस बिल्ली को दोबारा मत लौटाना। आई शैल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। I promise you that, और मैं तुमसे इस चीज़ का वादा भी करता हूँ। कौन कह रहा है? वो छोटी सी साइज का जो आदमी मिला था ना पैट्रिक को, वो कहता है कि मुझे इस बिल्ली से बचा लो, और अगर तुम मुझे इस बिल्ली से बचा लेते हो तो मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूँगा। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को तो बच्चों अपने भाग्य पे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो कितना भाग्यशाली है।
बिलीव यानी भरोसा और लकी हो गया भाग्यशाली. Here was the answers to all of his problems. अब उसकी जितनी भी समस्याएं थी बच्चों, उसका क्या मिल गया था, उसको सोल्यूशन मिल गया था, उसका आंसर मिल गया था. सो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क. क्या कहता है वो उसको कि एक ही शर्त पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा. कब तक? टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट इज 35 days. कि तुम मेरा होमवर्क कर दोगे. कब तक? जब तक मेरे सेमेस्टर पूरे नहीं हो जाते. और सेमेस्टर कितने दिनों के हैं बच्चों? वो हैं 35 days के. If you do a good enough job, I could even get A's. अगर तुम बहुत अच्छा काम कर देते हो मेरा, तो मुझे A's मिल जाएगा. देखिए बच्चों, ये है पैट्रिक, ठीक है, ये पैट्रिक की कैट है, क्लियर. और ये जो है उसको टाइनी साइज का जो आदमी मिला था, किसके हाथ में था? ये कैट के हाथ में था. और वो कैट के हाथ से उसको बचा लेता है. तो वो क्या कहता है कि तुम मेरे सेमेस्टर जो 35 days के हैं, तब तक अगर मेरा होमवर्क कर देते हो, उसी शर्त में मैं तुम्हें बचाऊंगा. द लिटिल मैंस फेस रिंकल लाइक ए डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर. अब जो छोटा सा आदमी था बच्चों, उसके चेहरे पे बहुत सारे रिंकल्स आ गए. रिंकल्स जैसे आप भी कई बार, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो अपने मुंह को बिगाड़ते हैं, तो उसी तरीके से उसके चेहरे पे इतनी सलवटें आ गई बच्चों. जैसे कि हम बर्तन साफ करने के लिए जो कपड़ा रखते हैं ना, तो वो उसमें कितने सलवटें होती, इसी तरीके से उसके फेस पे जो थी बहुत सारी सलवटें आ जाती हैं. ही किक्ड हिज लेग्स. वो अपने पैर से किक करता है, यानी पैर को जोर से पटकता है. एंड डबल्ड हिज फीस्ट. और अपने फीस्ट को, अपने मुट्ठियों को जोर से दबाता है. And he grimaced and scolded and pursed his lips. और वो ज़ोर से क्या करता है, गुस्सा करता है, मुँह को बिगाड़ता है, तेवर दिखाता है, ठीक है, और कुछ बड़बड़ाता है. ओ एम आई कर्स्ट. कि मैं तो क्या हो गया, मुझे तो श्राप लग गया. कर्स्ट है ना श्राप लगना, यानी मैं फंस गया. बट आई शैल डू इट. लेकिन मैं फिर भी करूँगा. आगे के भाग में हम जाने के बच्चों कि क्या वो छोटी सी साइज़ का आदमी है, वो पैट्रिक का होमवर्क कर पाता है या नहीं कर पाता है. इसके अलावा आपके ग्रामर सेक्शंस में कुछ अपोजिट्स दे रही हूँ आपको, जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और उनको लर्न भी करना. तो एक बार अपोजिट्स देख लेते हैं. फर्स्ट देखिए बच्चों, नेवर. नेवर मीन्स कभी नहीं. आंसर क्या हो जाएगा? ऑलवेज, यानी हमेशा. सेकेंड है बच्चों बोरिंग, यानी उबाऊ. आंसर क्या हो जाएगा? इंटरेस्टिंग, यानी रोचक, या जो आपको पसंद होता है. थर्ड है ट्रू, यानी सच. आंसर इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स, यानी झूठा. हेट यानी नफरत करना, ठीक है. आंसर क्या हो जाएगा? लव का हो जाएगा प्रेम या स्नेह. फिफ्थ देखिए बच्चों, फाउंड यानी मिलना किसी चीज को या पाना. आंसर क्या हो जाएगा? लॉस्ट यानी खो देना. सिक्स्थ है बच्चों हाई यानी ऊपर या ऊंचाई पे. आंसर क्या हो जाएगा? लो यानी नीचे. सेवन्थ बच्चों लाइक यानी पसंद करना, और डिसलाइक यानी ना पसंद करना. एट्थ बच्चों गिव यानी किसी चीज को देना. आंसर हो जाएगा टेक यानी लेना. आगे देखिए, नाइन्थ आपका आंसर. आंसर मतलब उत्तर हो गया. और इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन यानी प्रश्न, ठीक है. और लास्ट एंड टेंथ आपका बच्चों प्रॉब्लम यानी समस्या. आंसर क्या हो जाएगा इसका? सोल्यूशन यानी हल निकालना. तो इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, उनको सबको लर्न भी कर लेना है. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. थैंक यू बच्चों. आज का अगला पार्ट कक्षा 7 में अंग्रेजी विषय में किंग्स 3 क्वेश्चंस भाग 1. बच्चों आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 7th की इंग्लिश की पहली चैप्टर की शुरुआत. और इस चैप्टर का नाम है द 3 क्वेश्चंस, तीन सवाल. अब ये जो कहानी है बच्चों, ये लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने, और बहुत ही रोचक सी कहानी है एक राजा की. भाई उस राजा के मन में कुछ सवाल आते हैं. अब वो सवाल क्या है जानने के लिए क्या करेंगे बच्चों? कहानी की शुरुआत करेंगे ना, तो चलो करते हैं कहानी की शुरुआत. लेकिन उससे पहले जानते हैं कि वो तीन सवाल क्या हैं. पहला सवाल है हाउ टू टेल द राइट टाइम फॉर एवरी डीड. डीड मतलब कोई भी जो हम काम करते हैं वो. तो कैसे पता चले कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है. दूसरा सवाल हाउ टू नो हु आर द मोस्ट एसेंशियल पीपल. भाई दूसरा सवाल ये है कि हम किस प्रकार से जानें कि कौन सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग हैं. और तीसरा सवाल हाउ टू डिसाइड विच परसूट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब हम किस प्रकार से फैसला करें, डिसाइड करें कि कौन से हमारे जो काम हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं.
अ किंग हैज थ्री क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम. अब एक राजा है बच्चों, जिसने क्या है, जिसके मन में तीन सवाल है और वो उन तीन सवालों की क्या कर रहा है, सीख कर रहा है, ढूंढ रहा है आंसर्स, उत्तर. व्हाट आर द क्वेश्चंस? अब क्वेश्चन क्या है? Does the king get what he wants? क्या राजा को वो मिलता है जो उसे चाहिए? भाई कैसे पता करेंगे हम इन सारी बातों का? बच्चों जब हम कहानी की शुरुआत करेंगे तभी पता करेंगे ना. अभी हमने क्या जाना कि भाई इस कहानी में क्या क्या बातें हैं. तो चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं. देखिए, The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. एक thought, एक विचार आया एक राजा को, king यानी कि राजा, दैट ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी भी असफल नहीं होगा, फेल नहीं होगा मतलब असफल नहीं होगा, इफ ही न्यू थ्री थिंग्स, अगर उसे पता हो तीन चीज़ों के बारे में. दीज थ्री थिंग्स वर, अब ये तीन चीज़ें कौन सी थी देखिए, वॉट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि भाई कौन सा सही समय है किसी भी काम को बिगिन करने का, शुरू करने का. विच पीपल शुड ही लिसन टू, और किन लोगों की बात उसको क्या करनी चाहिए, लिसन करनी चाहिए मतलब सुननी चाहिए. वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और फिर राजा के मन में तीसरा सवाल क्या था, कि भाई कौन सी सबसे ज़रूरी चीज़ है उसके लिए जो क्या करनी चाहिए, जो उसे करनी चाहिए. तो बच्चों कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, जो अभी हमने मीनिंग्स देखे हैं ना उन्हें साथ साथ रिवाइज करेंगे. देखिए पहला है थॉट. थॉट का मतलब होता है विचार. नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं. फेल यानी कि असफल. बिगिन, बिगिन का मतलब क्या होता है, शुरू करना, आरंभ करना. समथिंग यानी कोई बात या फिर कोई चीज. लिसन मतलब सुनना. इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण. ये बच्चों कैसे लिखा है, ये गलत लिखा है ना, कैसे लिखेंगे हम, महत्वपूर्ण. फिर है थिंग. थिंग मतलब बात या फिर कोई चीज. द किंग देयरफोर, इसी कारण से उस किंग ने, उस राजा ने क्या किया, सेंट मैसेंजर्स, अपने दूत, मैसेंजर्स यानी कि दूत, अपने जो दूत थे वो भेज दिए थ्रू आउट सभी जगह हिज किंगडम, अपने उस राज्य में. Promising a large sum of money, और उसने क्या किया, भाई अपने दूत तो भेजे ही भेजे, साथ ही साथ ये वादा भी किया कि बहुत बड़ा जो धन है, बहुत बड़ी जो धनराशि है वो उस व्यक्ति को दी जाएगी जो क्या कर पाएगा, who would answer these three questions, जो कि इन तीनों सवालों के उत्तर दे पाएगा. Many wise men came to the king, बहुत सारे बुद्धिमान आदमी राजा के पास आए. But they all answered his questions differently. पर सभी वो जो बुद्धिमान आदमी थे ना, वो सब क्या कर रहे थे, उस राजा के उत्तर, सवाल का जो उत्तर था वो कैसे दे रहे थे, differently दे रहे थे, अलग अलग तरीके से दे रहे थे. तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं देखिए. सबसे पहला है therefore. Therefore का मतलब है इसलिए. Messengers मतलब दूत. Throughout, throughout का मतलब क्या है, सब जगह, हर तरफ. फिर है किंगडम यानी कि साम्राज्य या फिर क्या बोल सकते हैं, राज्य. लार्ज मतलब बहुत बड़ा. वाइज मतलब बुद्धिमान. और डिफरेंटली मतलब अलग ढंग से. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले जो सवाल था, जो राजा के तीन सवाल थे, उन तीन सवालों में से पहले सवाल का उत्तर देते हुए, रिप्लाई करना मतलब उत्तर देना, तो उत्तर देते हुए सम सेड, कुछ लोगों ने, कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को प्रिपेयर करना चाहिए, तैयार करना चाहिए एक टाइम टेबल. टाइम टेबल क्या होता है, समय सारणी. And then follow it strictly. और फिर
उस वो जो समय सारणी जो राजा बनाएगा उसका क्या करना चाहिए बच्चों, उसको फॉलो करना चाहिए, उस टाइम टेबल का पालन करना चाहिए स्ट्रिक्टली, मतलब कठोरता से एकदम. ओनली इन दिस वे, केवल इस तरीके से, दे सेड, उन लोगों ने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि भाई यही एक तरीका है कि आप समय सारणी बनाओ, इसी तरीके से वो जो राजा था वो क्या कर पाएगा, वो हर चीज कर पाएगा अपने उस प्रॉपर टाइम पे, मतलब उचित समय पर. अदर्स सेड, जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. तो जो बाकी लोग थे वो क्या कह रहे थे कि ये क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है ये फैसला करना इन एडवांस, मतलब पहले से ही, द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. पहले से क्या डिसाइड करना, फैसला करना असंभव है बच्चों, पहले से ये फैसला करना असंभव है कि किसी भी कार्य को करने का राइट टाइम यानी सही समय क्या है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. और जो बच्चों वो लोग थे ना जो कह रहे थे कि भाई ये असंभव है कि पहले से हम फैसला करके रखें, उन लोगों ने ये भी कहा, द किंग शुड नोटिस, कि जो राजा थे उन्हें ध्यान देना चाहिए या खबर रखनी चाहिए ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, हर उस बारे में जो कि चल रहा है. अवॉइड फूलिश प्लेजर्स, और अवॉइड करने चाहिए यानी कि टालना चाहिए उन्हें, राजा को, सभी प्रकार के क्या, फूलिश प्लेजर्स यानी कि मूर्खतापूर्ण जो सुख है ना, उनसे दूर रहना चाहिए, उनको टालना चाहिए राजा को. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर, और हमेशा वो करना चाहिए दैट सीम्ड नेसेसरी, जो कि आवश्यक या फिर ज़रूरी लग रहा हो उस समय पर. तो भाई बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए, सबके अलग अलग सुझाव, कोई कह रहा है समय सारणी बनाओ, और कोई कह रहा है कि भाई ये पहले से बताना मुश्किल है कि कब किस समय पे क्या करना चाहिए, पहले से हम ये फैसला करके तो नहीं रख सकते ना. तो चलो अभी देखते हैं क्या क्या हमने मीनिंग्स पढ़े बच्चों. देखिए सबसे पहला है रिप्लाई. रिप्लाई मतलब उत्तर देना. प्रिपेयर यानी कि तैयार करना. टाइम टेबल क्या होता है, समय सारणी. स्ट्रिक्टली मतलब कठोरता या फिर सख्ती से. इम्पॉसिबल यानी कि असंभव. डिसाइड यानी कि निश्चय करना. नोटिस मतलब सूचना या फिर खबर या फिर ध्यान देना. अवॉइड मतलब टालना, और एक और मतलब होता है बच्चों अवॉइड का, वो होता है बचना. फूलिश प्लेजर्स यानी कि मूर्खतापूर्ण सुख. नेसेसरी मतलब आवश्यक या फिर जरूरी. येट अदर्स सेड, और फिर भी कुछ लोगों ने कहा, दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. तो भाई कई लोगों ने ये भी कहा कि राजा को नीड है यानी कि ज़रूरत है एक ऐसे काउंसिल की, एक ऐसे परिषद की. और वो परिषद कैसा होना चाहिए, वो परिषद होना चाहिए वाइज मैन का, बुद्धिमान लोगों का, बुद्धिमान व्यक्तियों का. हु वुड हेल्प हिम, जो क्या करेंगे, उनकी मदद करेंगे. हेल्प करेंगे मतलब मदद करेंगे. किसकी मदद, राजा की मदद करेंगे. एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, किस चीज़ में मदद करेंगे राजा की, कि राजा सही समय पर सही कार्य कर पाए. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. अब ऐसा क्यों कहा कुछ लोगों ने कि भाई बुद्धिमान लोगों की एक परिषद बनाओ. भाई इसलिए कहा क्योंकि एक आदमी के लिए ये इम्पॉसिबल था. इम्पॉसिबल का मतलब क्या है बच्चों, असंभव. तो एक आदमी के लिए ये इम्पॉसिबल था टू डिसाइड, फैसला करना करेक्टली यानी कि सही तरीके से. विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की मदद लिए. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, अब क्या फैसला करना मुश्किल है बच्चों, असंभव है. किसके लिए भाई, एक आदमी के लिए भाई ये फैसला करना कि सही समय क्या है हर कार्य का.
तो यहाँ पे क्या क्या मीनिंग हमने पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है काउंसिल। काउंसिल मतलब परिषद या फिर समिति। वाइज मैन कौन होते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति या फिर बुद्धिमान लोग। हेल्प मतलब सहायता। एक्शन मतलब कार्य। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। पर फिर कुछ लोगों ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि अर्जेंट हो। अर्जेंट का मतलब क्या होता है? अत्यावश्यक हो। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और ये जो चीज़ें हैं ना बच्चों, जो अत्यावश्यक हैं, उनके लिए वेट नहीं किया जा सकता, इंतज़ार नहीं किया जा सकता उस काउंसिल के, यानी कि उस परिषद के डिसीजन का, फैसले का। भाई बहुत सारी चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उन ज़रूरी चीज़ों पर फैसला लेने के लिए भाई क्या होना चाहिए? तुरंत ही लेना पड़ेगा ना। पर अगर एक परिषद होगी तो एक परिषद जल्दी से थोड़ी फैसला ले पाएगी किसी भी चीज़ के बारे में। In order to decide the right time for doing something, तो इसलिए अगर सही समय पर फैसला लेना है किसी कार्य को करने का, it is necessary to look into the future. तो क्या करना होगा भाई? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, necessary है मतलब ज़रूरी है, to look into the future मतलब पता लगाना भविष्य के बारे में। And only magicians could do that. और केवल जादूगर ही तो ऐसा कर सकते हैं ना। Magicians कौन होते हैं बच्चों? जादूगर। तो भाई हम लोग थोड़ी हम भविष्य का पता लगा सकते हैं, लेकिन जादूगर तो लगा सकते हैं। The king therefore would have to go to magicians. तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि राजा को magicians के पास जाना पड़ेगा, जादूगर के पास जाना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स हैं देखिए। सबसे पहला है अर्जेंट मतलब अत्यावश्यक। फिर है वेट। वेट करना मतलब प्रतीक्षा करना या फिर इंतज़ार करना। डिसीजन मतलब निर्णय या फिर फैसला। लुक इनटू मतलब पता लगाना या फिर ध्यान से देखना। और मैजिशियंस कौन होते हैं? जादूगर होते हैं बच्चों। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चंस, और भाई पहले सवाल के उत्तर में तो लोगों ने बहुत सारे तरह तरह के, बुद्धिमान लोगों ने तरह तरह के जवाब दे दिए। कोई कह रहा है समय सारणी बनाओ, कोई कह रहा है कि जादूगर के पास जाओ भविष्य जानने के लिए, कोई कह रहा है कि एक बुद्धिमान लोगों की परिषद बनाओ। तो ये पहले सवाल का तो बिल्कुल सही उत्तर नहीं मिल पाया राजा को कि भाई क्या सही उत्तर है उसके सवाल का। अब दूसरे सवाल के उत्तर में Some said, कुछ लोगों ने कहा that the people most necessary to the king were his counselors, कि उन लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने कहा कि जो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं उस राजा के लिए, वो हैं उस राजा के counselors। counselors मतलब सभासद। Others said, कुछ लोगों ने कहा कि भाई priest यानी कि जो पंडित हैं या पुजारी हैं वो ज़रूरी हैं। A few others chose the doctors. और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई, डॉक्टर जो होते हैं, चिकित्सक जो होते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। And yet others said that his soldiers were the most necessary. और फिर भी इतने सारे लोग बता रहे थे कि भाई ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि राजा के जो soldiers हैं, जो सैनिक हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि राजा के उस दूसरे सवाल के उत्तर में भी कोई एक उत्तर उसको नहीं मिल पाया। अभी भी सभी लोग अलग अलग तरह तरह के उत्तर दे रहे थे। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स हैं देखिए, रिवाइज करेंगे। सबसे पहला है काउंसलर्स। काउंसलर्स का मतलब होता है सभासद। फिर है प्रीस्ट्स मतलब पुजारी। डॉक्टर्स मतलब चिकित्सक। और सोल्जर्स मतलब सैनिक। टू द थर्ड क्वेश्चन। अब भाई राजा ने तीन सवाल किए थे कि नहीं बच्चों, याद करो, हम यही पढ़ रहे हैं ना कि राजा के सवालों के उत्तर क्या है। अब राजा के दो सवालों के उत्तर तो उसको नहीं मिले, अब तीसरा जो सवाल था उस सवाल के उत्तर में क्या हुआ देखिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे सवाल के उत्तर में सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने कहा कि साइंस विज्ञान ज़रूरी है। अदर्स चूज
फाइटिंग, दूसरे लोगों ने चुना फाइटिंग को, चोज किया मतलब चुना, फाइटिंग को मतलब लड़ाई को, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और फिर कुछ लोगों ने चुना रिलीजियस वर्शिप को, धार्मिक उपासना को. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied. अब भाई बच्चों यही तो हम देख रहे हैं कि भाई राजा के तरह तरह के उसको जवाब मिल रहे हैं, तो क्योंकि जो उत्तर थे राजा के सवालों के वो इतने ज़्यादा different थे, इतने ज़्यादा अलग थे, सभी लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए थे. The king was not satisfied. अब ये जो राजा था ना वो satisfied नहीं हुआ, वो संतुष्ट नहीं हुआ. And gave no reward. और उसने क्या किया, कोई भी पुरस्कार नहीं दिया. भाई उसने यही तो कहा था कि जो भी मेरे सवालों का उत्तर देगा सही तरीके से उसे मैं पुरस्कार दूंगा. पर फिर क्या हुआ, इतने अलग अलग उत्तर आए कि राजा ने तो कोई पुरस्कार ही नहीं दिया बच्चों. Instead, बजाय इसके he decided to seek the advice of a certain hermit. उसने फैसला किया क्या कि वो सीख करेगा जो एडवाइस है, यानी कि वो मांगेगा, ढूंढेगा एक एडवाइस, सलाह एक खास हर्मिट की, एक खास सन्यासी की. वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि प्रख्यात था अपने विजडम के लिए, बुद्धिमानी के लिए. भाई कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति राजा के सही सवालों के उत्तर नहीं दे पाया. इसी कारण से राजा ने फैसला किया कि भाई बजाय इसके कि मैं इन लोगों से पूछूं, मैं खुद ही एक सन्यासी के पास जाता हूं. और वो सन्यासी था बच्चों जो कि प्रख्यात था अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, बुद्धिमानी के लिए. तो यहाँ पे क्या क्या शब्द देखे बच्चों हमने, रिवाइज करेंगे साथ साथ वर्ड्स को. जब हम रिवाइज करते हैं ना तो कहानी बहुत आसान लगने लगती है. तो चलो देखो, पहला है साइंस. साइंस मतलब विज्ञान. चूज मतलब चुना. रिलीजियस वर्शिप मतलब धार्मिक उपासना. डिफरेंट यानी कि अलग. सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट या फिर तृप्त. रिवॉर्ड मतलब पुरस्कार या फिर प्रतिफल. इंस्टेड मतलब बजाय या फिर बदले में. एडवाइस मतलब सलाह. हर्मिट मतलब सन्यासी या फिर एकांतवासी. विजडम मतलब बुद्धिमानी. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. तो बच्चों ये जो हर्मिट था ना वो कहाँ रहता था, एक वुड में. वुड का मतलब हम क्या जानते हैं बच्चों, लकड़ी. पर यहाँ पे वुड का मतलब है जंगल. तो ये जो हर्मिट था, ये जो सन्यासी था, ये रहता था एक जंगल में. विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे ये कैसे जंगल में रहता था, जिसे उस सन्यासी ने कभी नहीं लेफ्ट किया, कभी नहीं छोड़ा. ही saw no one but simple people. और वो जो हर्मिट था ना वो साधारण लोगों के अलावा किसी से नहीं मिलता था. एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ्स. अब चूंकि वो सन्यासी साधारण लोगों के अलावा किसी से नहीं मिलता था, इसी कारण से उस राजा ने क्या किए, पुट ऑन किए मतलब पहने ऑर्डनरी क्लोथ्स, साधारण कपड़े. बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड. तो भाई राजा है वो, तो अब वो राजा घोड़े पे बैठ के ही जाएगा ना हर्मिट के पास, सन्यासी के पास. पर राजा ने क्या किया, वो जो सन्यासी का जो हट था है ना, जो झोपड़ी थी, वहां पर रीच करने से पहले मतलब पहुंचने से पहले उस राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया अपने बॉडीगार्ड के पास, अंगरक्षक के पास. एंड वेंट ऑन अलोन, और फिर वो अकेला ही उस हर्मिट के झोपड़े में गया. अब यहाँ पे क्या क्या मीनिंग्स हमने पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं. सबसे पहला है वुड. वुड का हमने क्या जाना बच्चों, मीनिंग वैसे तो होता है लकड़ी, पर यहाँ पे जो मीनिंग इस्तेमाल होगा वो होगा जंगल. फिर है नेवर. नेवर का मतलब है कभी नहीं. लेफ्ट यानी कि छोड़ना या फिर छोड़ा. ऑर्डिनरी क्लोथ्स मतलब साधारण वस्त्र या फिर साधारण कपड़े. रीच्ड मतलब पहुंचा. बॉडीगार्ड यानी कि अंग रक्षक. अलोन मतलब अकेला.
एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जब वो राजा पास आया उस सन्यासी के हट के, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। उसने क्या देखा बच्चों? उसने सॉ किया, यानी कि देखा कि वो जो हर्मिट था, वो जो सन्यासी था, वो डिग कर रहा था, वो खोद रहा था जो ग्राउंड था, जो जमीन थी, इन फ्रंट ऑफ हिज हट। हट यानी झोपड़ी के सामने की, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने की, तो झोपड़ी के सामने की जो जमीन थी उस पे वो जो सन्यासी था वो खुदाई का काम कर रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, उसने क्या किया, उस सन्यासी ने ग्रीट किया, यानी कि अभिवादन किया राजा का, एंड कंटिन्यूड डिगिंग। और अभिवादन करने के बाद उस सन्यासी ने जारी रखा अपना खुदाई का काम। द हर्मिट वॉज ओल्ड, अभी जो सन्यासी था ना बच्चों, वो कैसा था, ओल्ड था, बूढ़ा था, एंड वीक और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवीली, और जब ये सन्यासी काम कर रहा था ना, तब वो ब्रीथ कर रहा था, सांस ले रहा था बहुत हैवीली, मतलब ज़ोर ज़ोर से वो सांस ले रहा था। भाई बूढ़ा और कमज़ोर ही तो है ना वो सन्यासी, तो खुदाई का काम करते हुए उसकी सांस भर रही थी, उसे बहुत मेहनत लग रही थी उसको सांस लेने में, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। तो बच्चों यहाँ पर क्या क्या शब्द हमने पढ़े हैं देखिए, पहला है सॉ, सॉ का मतलब यहाँ पर क्या है, देखा। डिगिंग मतलब खुदाई का काम। ग्राउंड मतलब मैदान। इन फ्रंट, इन फ्रंट का मतलब क्या होता है, सामने। ग्रीटेड यानी कि अभिवादन। ओल्ड मतलब बूढ़ा या फिर पुराना। वीक यानी कि कमज़ोर। ब्रीथ हैवीली मतलब ज़ोर से सांस लेना। The king went up to the hermit and said, अब ये जो राजा था ना वो उस सन्यासी के पास गया और कहा, I have come to you wise hermit, मैं आया हूँ आपके पास ए बुद्धिमान hermit, ए बुद्धिमान सन्यासी, to ask you to answer three questions, क्यों आया हूँ मैं आपके पास, पूछने के लिए, ask करने के लिए मतलब पूछने के लिए उत्तर तीन सवालों के। अब वो तीन सवाल वापस से राजा ने दोहराए, देखिए, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, किस प्रकार से मैं सीखूं कि सही कार्य को सही समय पर कैसे करना है, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और कौन से वो लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एंड वॉट अफेयर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर, कार्य या फिर मामले। तो राजा ने पूछा कि भाई कौन से कार्य, कौन से मामले सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या क्या हमने सवाल हमने मीनिंग्स पढ़े हैं देखिए, रिवाइज करते हैं। पहला है कम, कम का मतलब यहाँ पर क्या है, आना। आस्क मतलब पूछना। लर्न यानी कि सीखना। नीड मतलब आवश्यकता, या फिर एक और मतलब है बच्चों नीड का, क्या है वो, ज़रूरत। अफेयर्स मतलब मामले या फिर कार्य। द हर्मिट लिसन टू द किंग, अब वो जो हर्मिट था ना उसने उस राजा की बातें सुनी, बट डिड नॉट स्पीक, पर हर्मिट यानी वो सन्यासी कुछ नहीं बोला। He went on digging, और बिना बोले वो जो सन्यासी था वो अपना खुदाई का कार्य करता रहा। You are tired, said the king. तो फिर अब भाई राजा ने उसको, हर्मिट को, सन्यासी को वो कार्य करते हुए देखा खुदाई का, तो राजा ने कहा कि आप tired हैं, आप थके हुए हैं। Let me take the spade and work in your place, मुझे ये फावड़ा दे दीजिए और मुझे आपकी जगह पर, प्लेस पर यानी आपकी जगह पर काम करने दीजिए। Thanks, said the hermit. उस hermit ने धन्यवाद कहा, giving the king his spade. और फिर उस hermit ने अपना जो वो spade था, अपना जो फावड़ा था, वो राजा को दे दिया. Then he sat down on the ground. और फिर वो जो सन्यासी था ना, वो ground पर, ज़मीन पर बैठ गया. तो अब यहाँ पे क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं बच्चों देखिए. पहला है listened, यानी कि सुना. फिर है स्पीक,
मतलब बोलना, टायर्ड मतलब थकान, थकना या फिर थका हुआ, स्पेड का मतलब क्या होता है, फावड़ा या फिर कुदाली, प्लेस मतलब जगह, सेट डाउन यानी कि बैठना। तो बच्चों दिख रही है ना आपको ये तस्वीर, अब ये जो राजा है वो इस बूढ़े से हर्मिट के पास आया है अपने सवालों के उत्तर मांगने, और फिर राजा ने इस हर्मिट से मांगा है उसका फावड़ा कि भाई आप मुझे फावड़ा दे दो और मैं खुदाई का काम शुरू कर दूं। When the king had dug two beds, अब जब उस राजा ने दो क्यारियां, यहाँ पे बेड्स का मतलब बिस्तर नहीं है बच्चों, यहाँ पे बेड्स का मतलब है क्यारी, जब इस राजा ने दो क्यारियां खोद दी, he stopped, राजा रुका, and repeated, और उसने दोहराया अपना क्या, his questions, अपने सवाल, the hermit gave no answer, अब उस सन्यासी ने नहीं दिया कोई भी उत्तर, but stood up, पर फिर वो hermit ने क्या किया, वो hermit खड़ा हुआ, stretching out his hand for the spade, और उसने क्या किया, उसने खींचा अपने हाथ से उस स्पेड को और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। अब भाई ये जो हर्मिट है ना बच्चों, ये उत्तर नहीं दे रहा है राजा को उसके सवालों के, बल्कि उसने कहा कि भाई अब फावड़ा तुम मुझे दे दो, तुम थक गए हो, तुम आराम करो, अब मैं खुदाई करूंगा। पर राजा ने क्या किया बच्चों, राजा ने नहीं दिया वो फावड़ा उस सन्यासी को, और राजा ने कंटिन्यू किया यानी कि जारी रखा डिग करना, मतलब खोदना। तो यहाँ पे क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं, देखिए पहला है बेड्स, बेड्स मतलब नदी तल, और यहाँ पर मीनिंग क्या है बच्चों जो इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर मतलब है क्यारी, स्टॉप्ड मतलब रुकना, रिपीटेड मतलब दोहराया, गेव मतलब दिया या फिर देना, स्टूड अप मतलब खड़ा हुआ, स्ट्रेचिंग मतलब खींचना, डिग यानी कि खोदना। वन आवर पास्ट, एक घंटा गुजर गया, देन अनदर, और फिर एक और घंटा गुजर गया, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। तो बच्चों वेंट डाउन का मतलब क्या है, नीचे गया, यानी कि सूरज अब क्या करने लगा, वो ढलने लगा और वो अब पेड़ों से नीचे जाने लगा, भाई सूरज ढलते हुए नीचे ही तो जाता है ना। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड, और फिर राजा ने आखिरकार क्या किया, स्टक कर दिया, घुसा दिया उस फावड़े को जमीन पर और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, उत्तर पाने के लिए मेरे सवालों के, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, और अगर आप नहीं दे सकते कोई भी उत्तर, टेल मी सो, तो मुझे बता दो, एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं लौट जाऊंगा अपने घर। हियर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, अब भाई राजा की इस बात का भी उत्तर नहीं दिया हर्मिट ने, और हर्मिट ने क्या कहा, उसने कहा कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हमने पढ़े हैं, देखिए पहला है पास्ट मतलब गुजरना, फिर है वेंट डाउन यानी कि नीचे गया, बिहाइंड यानी कि पीछे, स्टक मतलब घुसाना या फिर चिपकाना, रिटर्न मतलब लौटना। तो बच्चों हमने ये तो जान लिया है कि भाई राजा को उसके सवाल के उत्तर तो नहीं दे रहे सन्यासी, पर क्यों नहीं दे रहे, और क्या सच में सन्यासी उत्तर नहीं देंगे, वो कैसे जानेंगे, वो कहानी में हम आगे जानेंगे। पर पहले हम क्या करेंगे, फटाफट से क्या करने वाले हैं, हम इस पहले भाग के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो देखिए पहला सवाल है, Why did the king want to know answers to three questions? ये जो राजा है वो इन तीन सवालों के उत्तर क्यों जानना चाह रहा है, देखिए The king wanted to know the answers, जो राजा है वो उत्तर जानना चाह रहा है to the three questions, इन तीन सवालों के, because क्योंकि he thought that he would never fail once he knew the answer to these
क्वेश्चंस, क्योंकि इस राजा ने सोचा, विचार किया कि वो कभी भी फेल नहीं होगा, असफल नहीं होगा अगर उसे इन सवालों के उत्तर मिल जाए तो। दूसरा सवाल, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, जो दूत थे वो पूरे राज्य में भेजे गए थे। मार्क योर चॉइस, अब क्यों भेजे गए थे बच्चों पूरे राज्य में उन दूतों को? देखिए आपके सामने चार ऑप्शंस है, आपको क्या करना है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है टू फेच वाइज मैन, फेच का मतलब होता है लाना। तो क्या दूतों को इसलिए भेजा गया था कि बुद्धिमान आदमियों को लाया जाए? दूसरा, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन, जो सवाल थे राजा के मन में, तीन सवाल थे, उनके उत्तर देने के लिए उन दूतों को भेजा गया था। तीसरा, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, तो या फिर दूतों को भेजा गया था एक बुद्धिमान सन्यासी को खोजने के लिए। और चौथा बच्चों, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, या फिर इसलिए भेजा गया था कि एक पुरस्कार दिया जाएगा उन लोगों को जो भी उत्तर दे पाएंगे राजा के उन सवालों के। तो बच्चों सवाल क्या है कि उन दूतों को क्यों भेजा गया राज्य में हर तरफ, और उस के जो उत्तर हैं इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? ऑप्शन फोर, भाई दूतों को भेजा गया ये घोषणा करने के लिए कि पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो भी उत्तर दे पाएगा राजा के इन तीनों सवालों के। तो बच्चों अच्छी लग रही है ना कहानी? अब क्या उत्तर है राजा के उन तीनों सवालों के, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा 6 में अंग्रेजी विषय में बुक हनीसकल से हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क भाग ए, कक्षा 7 में अंग्रेजी विषय में किंग्स 3 क्वेश्चंस भाग ए। बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में गणित विषय में अपनी संख्याओं के जानकारी अध्याय से भारतीय संख्यांकन पद्धति भाग 5, कक्षा 7 में अंग्रेजी विषय में किंग्स 3 क्वेश्चंस भाग 2, कक्षा 8 में अंग्रेजी विषय में द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड जिम्स लेटर टू कॉनी भाग 5। बच्चों हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन एवं परमल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का पता है निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदयपुर 313001।